मेरा नाम अंकिता भारद्वाज है। 22 फरवरी 2021 को प्रसव हुआ था, डिलीवरी ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक पुत्री हुई। यहाँ पे डॉक्टरों ने मेरे पेट में सर्जिकल स्पंज छोड़ दिया था, जिस वजह से मुझे कई बार ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। पहली बार ऑपरेशन बच्चे के लिए हुआ, दोबारा मेरे पेट में संक्रमण हो गया सर्जिकल स्पंज की उपस्थिति के कारण। फिर उसके बाद जब सर्जिकल स्पंज का पता लगा, उसको निकालने के लिए ऑपरेशन हुआ। ये तीनों ऑपरेशन यहीं पे सरकारी अस्पताल में हुए। उसके बाद में यहाँ से मुझे रेफ़र किया गया, फिर मेरा KGMU में जाके इलाज चला। वहाँ पे मैं काफ़ी लंबे समय तक एडमिट रही और वहाँ पर मेरा जो आँत को जोड़ा गया, आँत को जोड़ने के बाद पाचन तंत्र चालू किया गया। तब तक मेरा पाचन तंत्र पूरी तरीके से बाधित रहा। काफ़ी समय तक मेरा पेट खुला रहा, बड़े बड़े घाव रहे पेट में, टांके नहीं आ रहे थे पेट में, इस वजह से खुले ही खुले पट्टियां होती रहीं, तब जाके कहीं रिकवरी हो पाई थी। लेकिन अभी फिर से एक ऑपरेशन होना है जिसमें आँत से ही रिलेटेड पूरा ऑपरेशन रहेगा, क्योंकि आँत फिर से बाहर आ रही है। तो अब ये दर्द सहने की क्षमता मुझमें नहीं है। भविष्य में इन डॉक्टरों की गलती की वजह से और डॉक्टरों ने, जिनको मैं दिखाती हूँ, जहाँ से मेरा इलाज चल रहा है, वहाँ से मुझे संभावना व्यक्त की गई है कि मैं भविष्य में कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, मेरे कभी कोई संतान नहीं होगी, मैं अपना खुद का बच्चा कभी खिला नहीं पाई, जो मेरा हुआ, क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं थी कि उसका पालन पोषण कर सकूँ। आज भी मैं उसका कोई काम नहीं कर पाती और भविष्य में भी मुझे कोई संतान नहीं होगी, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। क्या चाहती है, मांग क्या है? मैं क्या मांग करूँ किसी से, किसी ने मुझे न्याय तक नहीं दिया। मुझे तो बस मृत्यु की मांग है, अगर दे सकते हैं तो अब सिर्फ मृत्यु ही दे दें। मैं ये ऑपरेशन नहीं करवा पा रही, ना मैं इसमें मेरे अंदर सामर्थ्य बचा है इतना ये ऑपरेशन कराने का, ना इतना दर्द सहने की क्षमता बची है। उसके अलावा मैंने इस पे दोषियों पे कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने गंभीरता से इस मैटर को लिया ही नहीं। मैंने यहाँ के जिला अधिकारी से कहा, उन्होंने नहीं लिया इस मैटर को गंभीरता से। उसके बाद मैंने CMO, CMS और जो कॉलेज की तत्काल प्रिंसिपल थी उनसे कहा। उसके बाद जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनके घर भी गई मैं, उनके आवास पे जाके उनको पत्र दिया। उसके अलावा जब वो फिरोज़ाबाद आए तब भी मैंने उनसे मुलाकात की, यहाँ पे DM ऑफिस में बैठ के मुलाकात की, और काफ़ी लंबी मुलाकात हुई थी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब इस सबसे मैं हार गई तब मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट में भी डॉक्टरों को तलब किया गया और सभी डॉक्टर स्टे ले के आ रहे हैं। अभी तक सारे एविडेंस उपस्थित होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा एक और बात रही कि जब मेरा 31 मई का ऑपरेशन हुआ था, वो एक सर्जिकल स्पंज छोड़ा, वो पहली गलती थी, बहुत बड़ी गलती। दूसरी गलती ये रही कि मेरी आंत काटी तो आंत की कोई जांच रिपोर्ट नहीं थी। हॉस्पिटल से वो आंत काटने के बाद तुरंत गायब हो गई, ऐसा कैसे हो गया? ये तो प्रिंसिपल की लापरवाही रही ना, कि पूरा स्टाफ वहाँ उपस्थित था, फिर भी मेरी जो आंत को काटा गया वो सब गायब हो गया, उसकी कोई जांच नहीं हुई। अगर आज जांच होती तो शायद कहीं ना कहीं किसी ने कार्रवाई की होती इस मैटर को, कहीं ना कहीं किसी ने गंभीरता से लिया होता। आज मैं हार चुकी हूँ, तब जाके मैंने ये कदम उठाया है और मैंने राज्यपाल के लिए DM द्वारा एक पत्र दिया है जिसमें मैंने इच्छा मृत्यु की मांग की है।